अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो इन रेसिपी स्विंग्स। आज की वीडियो में हम आपको स्ट्रीट स्टाइल गोलगप्पे बनाना सिखाएंगे। ये किस तरह तैयार होते हैं सारा प्रोसेस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। गोलगप्पे जो भी हम बाज़ार में खाते हैं उसका सारा दारोमदार खट्टे के ऊपर होता है। तो वो एक बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ हुआ था कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। ठीक है, खट्टा आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें नॉर्मल भी हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खट्टा अच्छा होगा तो फिर आपको गोलगप्पों का मज़ा आएगा। ठीक है, कई लोग इमली का खट्टा बना तो लेते हैं लेकिन वो बनाने के बाद ये कहते हैं कि जिस तरह बाज़ार में मिलता है वही उस तरह का नहीं तैयार हुआ। इसमें भी एक ट्रिक होती है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो सारे इन्ग्रीडियंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम एक तेगची में एक पाव इमली का पल्प डालेंगे जिसको हमने एक घंटे के लिए भिगो लिया था। उसके बाद एक टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें जीरा और सूखे धनिए का पाउडर। दड़दड़ा सा है ये, बिल्कुल पाउडर नहीं किया हुआ। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, साबुत पुदीना ही, डंडी समेत। अब इसमें जो अगली चीज डालेंगे ये है टाटरी, ये आधा टीस्पून डालनी है आपने। ये 1.5 लीटर खट्टे के लिए, ये बहुत अहम हिस्सा है खट्टे का। ये 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाला है हमने, 1 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला ये 1.5 लीटर खट्टे के लिए। उसके बाद हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। अगली जो चीज़ अब हम इसमें डालेंगे वो बहुत ही खट्टे का वो भी अहम हिस्सा है और बहुत ही उससे अच्छा खट्टा बनता है। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे पुदीने का पेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे खट्टा। कई लोग कहते हैं कि वैसा नहीं बना, बदजायका सा बना है, ये टाटरी के बगैर खट्टा बनता ही नहीं है। ठीक है, अगर बन भी जाएगा टाटरी के बगैर बदजायका सा होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मिक्स करके अब इसको हम साइड पे रख देंगे और फिलिंग की तैयारी करेंगे। ये हमने 1 किलो आलू लिए हैं, उसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला, जीरा और सूखे धनिए का पाउडर 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी लाल मिर्ची तकरीबन 1 टीस्पून है, ये ज़्यादा नहीं डालना। नमक आप अपना टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून हमने हरी मिर्च डाली है, ये भी बहुत अहम हिस्सा है इसका। ये 1 पाव हमने पकौड़ियाँ ली थी बेसन वाली, उसको हमने 1-2 घंटे के लिए भिगो दिया था, वो डालेंगे बीच और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स इसको हाथ की मदद से करेंगे, चम्मच से अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। ज़बरदस्त हमारे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। ये फिलिंग पड़ी हुई है, मीठी चटनी, रायता, ये खट्टा ज़बरदस्त सा ठंडा ठार, ये गोलगप्पे हमने बने बनाए लिए हैं, घर पर नहीं तैयार किए। ये देखें इस तरह हम गोलगप्पे में फिलिंग करेंगे। ये मीठी चटनी और ये पुदीने वाला रायता करके इस तरह भी आप घर पे ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त, आप बाज़ार के भूल जाएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें।